इसार टैबलेट, इसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 15 टैबलेट का 1:1 है, जिसकी कॉस्ट 110 रुपये है, जो ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर सिंगल मॉलिक्यूलर टेलमिसर्टन 40 mg, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वह हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड कर सकते हैं, कब आपको इसे लेना चाहिए, क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं, अगर आप कोई डोज मिस कर जाए तो क्या करना चाहिए, अगर आप कोई डोज ले रहे हैं आपको 10 मिनट के बाद उल्टी आ जाए तो क्या करना चाहिए, इसके साथ में क्या दो एक्टिविटी ऐड करके अपनी लाइफस्टाइल को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप पूरी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और फ्यूचर में आप अपडेटेड रहना चाहते हैं बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो टेलसार 40 mg टैबलेट का जो इस्तेमाल किया जाता है वह जो कि हाई ब्लड प्रेशर में, जिसमें आपको हार्ट अटैक आ चुका है या स्ट्रोक आ चुके हैं, उसका प्रिवेंटेशन के लिए किया जाता है, और उससे जैसे कि आपके यहाँ ब्लड प्रेशर जो रहता है हाई उसे कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो मॉलिक्यूल है टेलमिसर्टन वो एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, यह ब्लड वेसल्स को रिलैक्स पहुंचाता है। जब आपका ब्लड वेसल जो टाइटन रहता है, जिसमें ब्लड प्रॉपरली इजिली से फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके हार्ट पे ओवरलोड जाता है, जिसकी वजह से आपको समस्या बढ़ती है, जैसे कि आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकते हैं या किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, कि ब्लड वेसल्स रिलैक्स फील करने लगते हैं, तो जिसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर इजिली से और इफिशेंटली होने लगता है, जिससे आपके पूरे थ्रू बॉडी में अच्छे से पंपिंग होने की वजह से पूरा ब्लड सब जगह पहुंचता है, तो जिसकी वजह से आपको जो हाई ब्लड प्रेशर था वह कम होने लगता है, जैसे कि आपको जो हार्ट का रिदम था वह प्रॉपर होने लगता है, और आपको जो घबराहट चक्कर सब फील हो रहा था वह कम हो जाता है, और जैसे कि आपको काफ़ी बेहतर फील होने लगता है। तो इसका जो डोज रहता है वह 1 डोज रहता है, इसे खाना खाने के पहले या बाद में लिया जाता है, लेकिन जहाँ तक आप खाना खाने के 1.5 घंटे बाद लें, ताकि आपको चक्कर नहीं आए, कमजोरी फील ना करें। आप कोई डोज मिस कर जा रहे तो सिंगल डोज फॉलो करें, डबल डोज नहीं लें तो ओवर डोजिंग हो सकता है, या कोई डोज ले रहे आपको उल्टी आ जा रही तो भी सिंगल डोज ही फॉलो करें। इसे चबाए नहीं, क्रश नहीं करें, डायरेक्ट पानी के साथ में निकले। इसे बंद करने से पहले भी आप डॉक्टर को जरूर बताएं, नहीं तो आप बंद कर देंगे, आपकी बीमारी बढ़ती रहेगी। आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बार इसके बारे में जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाए गए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से लेंगे तो आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, पेट में आपको गैसेस बन सकते हैं, फ्लैटलेंस और पेट दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकते हैं आपके। तो जैसे कि आप इसे ले रहे तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जिसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप अपडेटेड रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डाउट डायरेक्ट वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।